नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डीके आर्य और आज मैं एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है सब कुछ संभव। ये कहानी है महाराष्ट्र के गांव की, जहां लता खरे नाम की एक बुजुर्ग महिला और उनके पति मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से परिस्थितियां विपरीत हो गई। दरअसल लता खरे के पति की तबीयत अचानक से खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उनका एमआरआई स्कैन होगा, जिसमें लगभग 5,000 रुपए लग जाएंगे। लता खरे के लिए 5,000 रुपए बहुत ज्यादा थे। एक गरीब बुजुर्ग महिला के लिए इतने पैसों की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल काम था। लता खरे कई परिचितों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। उनका अपमान खूब हुआ, पर मदद किसी से भी नहीं मिली। एक दिन लता निराशा के भाव से बैठी हुई थी, तभी उन्हें पता चला कि उनके गांव के पास ही मैराथन का आयोजन हो रहा है तथा उसमें जीतने वाले को 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। लता को मैराथन के बारे में कोई समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसमें भाग लेने का फैसला किया। अपने पति की जान बचाने के लिए वो बुजुर्ग महिला साड़ी और चप्पल में 3 किलोमीटर दौड़ गई। रास्ते में चप्पल टूटी तो उन्होंने नंगे पैर ही दौड़ना जारी रखा। वो मैराथन आखिरकार जीत गई तथा उन्हें अपने पति के इलाज के लिए 5,000 रुपए मिल गए। लता खरे का जीवन सच्चे प्रेम और समर्पण की मिसाल है। उनके जीवन की इस सच्ची घटना पर मराठी में एक फिल्म भी बनी है, जिसका नाम है लता भगवान करे। ये कहानी हमें सीख देती है कि हमारे अंदर यदि किसी चीज को करने का जुनून है तो सब कुछ संभव है।